नमस्कार, आर फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम टेस्ट लेकर आए हैं। फिजिकल एजुकेशन में जो टेस्ट होते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी के जो टेस्ट हैं, वो आपके बीच लेकर आए हैं। तो आज हम अभी बात कर रहे हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बनाया गया, और वहीं पर जो खिलाड़ी थे, वहीं पर जो बच्चे थे, वहीं पर जो लड़के थे, विश्वविद्यालय के जो छात्र थे, उस पर इनका प्रयोग किया गया। ये सन 1943 में लुसियन ब्रोहा नामक एक शारीरिक शिक्षक थे, उन्होंने बनाया था। लुसियन ब्रोहा नामक शिक्षक ने बनाया था। ये हृदय की श्वास क्षमता को नापता है, मतलब हृदय की श्वास क्षमता, हम ये भी कह सकते हैं कार्डियो वास्कुलर कैपेसिटी। कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी को नापता है कि आपके हृदय की जो क्षमता है, सहनशीलता है, जो हृदय की क्षमता है वो कितनी है, उसको नापने के लिए बनाया गया। पीईआई फिजिकल, ये पीईआई का मतलब है आपका फिजिकल इफिशिएंसी इंडेक्स, फिजिकल इफिशिएंसी इंडेक्स। ये इक्वल्स टू, इसकी हम फिजिकल इफिशिएंसी इंडेक्स की गणना करते हैं। इसके अनुसार हम ये देखते हैं कि जो हमारा खिलाड़ी है वो कितना मजबूत है। अभ्यास के समय की अवधि सेकेंड में, अपान 2 × अभ्यास के बाद नाड़ी दर, और 100 मतलब अभ्यास के समय आपने कितने सेकेंड अभ्यास किया, वो अभ्यास के समय की अवधि यहाँ रहेगी सेकेंड में। उसके बाद आपको जो रिकवरी, उसके बाद आपको रेस्ट दिया जाएगा, और उस रेस्ट के समय में आपकी जो नाड़ी दर है वो कितनी है, आपकी जो पल्स रेट है वो कितना है, और × 2, और टोटल × 100। इससे आप क्या निकालते हैं, पीआई निकालते हैं। इससे क्या पता लगता है, हमको इंडेक्स पता लगता है कि किसी खिलाड़ी का एफिशिएंसी इंडेक्स क्या है। इसमें जो बेंच यूज होती है वो महिला के लिए 16 इंच की बेंच यूज होती है, और पुरुष के लिए 18। एक बेंच होती है, उस बेंच पर हम पैर रखते हैं और नीचे रखते हैं, जब पैदा मूव या गो या स्टार्ट, तो हम पैर ऊपर रखते हैं फिर नीचे उतारते हैं। इस तरह से हम कंटिन्यूस पे एक्सरसाइज करते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसका प्रयोग किया गया। लुसियन ब्रोहा ने 1943 में इसको बनाया था। कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी ये नापता है, और पीईआई का मतलब है कि फिजिकल इफिशिएंसी है। आपको जो टीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंपिक से क्वेश्चन है। क्या पूछा जाता है आपसे, ये पूछा जाता है कि ये कब बनाया गया, तो आप सिंपिल सा जवाब देंगे 1943 में लुसियन ब्रोहा ने इसको बनाया था। और लुसियन ब्रोहा ने इसको बनाया था वो 1943 में बनाया था, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका, कहाँ बनाया था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में ही बनाया गया था लुसियन ब्रोहा के द्वारा। और इसमें जो बेंच की ऊंचाई महिला के लिए 16 इंच और पुरुष के लिए 18 इंच। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, आप यही क्वेश्चन आएगा कि कहाँ बनाया गया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में, किसने बनाया, लुसियन ब्रोहा ने बनाया, कब बनाया, 1943 मतलब 1943 में बनाया। क्या मेजर करता है, कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी या एंड्योरेंस, आपके हृदय की सहनशीलता को मेजर करता है, हृदय की सहनशीलता को बताता है कि आपके हृदय की सहनशीलता क्या, आप कब तक अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, आपका जवाब मिलेगा।